सिवान में सड़क हादसे में एक की मौत, 6 घायल। सड़क किनारे खड़े ट्रक में अनियंत्रित बस ने मारी टक्कर, छानबीन में जुटी पुलिस। नवादा में सीआरपीएफ जवान ने रक्तदान कर डेंगू मरीज की बचाई जान। सोशल मीडिया पर मिली थी मरीज की जानकारी, संपर्क कर किया ब्लड डोनेट। बाप तो बाप ही होता है, बेटे को दी पटकनी। मोतिहारी में बाप के खिलाफ मैदान में उतरा बेटा, 149 वोट ही मिले, पिता बने मुखिया। हाजीपुर में 3 दिन में दूसरी लूट। पटना से जा रहे ज्वेलर के कार से 46 किलो चांदी लूटी, पासवान चौक पर हुई वारदात। मुजफ्फरपुर में खाद्य विभाग का एक्शन, मिठाई और परचून दुकानों पर टीम का धावा। मिठाई के डिब्बे पैक पर नहीं लिखी थी निर्माण तिथि। मुजफ्फरपुर सेंट्रल बैंक में फर्जीवाड़ा, अवैध रूप से निकाले 12.49 लाख। 4 दिन में किसान के खाते से 125 बार निकासी, एमडी समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। पटना में स्मार्ट मीटर का खेल देखे, 15 अक्टूबर को खाता में 5,142 रुपया, 18 अक्टूबर तक घटकर 1,841। बड़ा सवाल, 3 दिन में कहां गए 3,300 रुपए। बिहार के किसानों ने अमित शाह को लिखा लेटर, केंद्रीय सहकारिता मंत्री से लगाई गुहार। पैक्स और व्यापार मंडल किसानों को लूटने का कर रहे काम। उपचुनाव में एनडीए की जातीय गोलबंदी, तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए अपील, कायस वोटर एकजुट होकर एनडीए को करें वोट। सुबह शाम हवा में ठंड, सतर्क रहें। तापमान में उतार चढ़ाव सेहत पर भारी पड़ सकता है, 7 दिन में पश्चिमी हवा से ठंड बढ़ने का अनुमान। पटना की हवा पर स्टडी की तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बताएगा दीपावली पर हवा कितनी प्रदूषित हुई। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। सहरसा में रेलवे अधिकारी के घर चोरी, पीड़ित अधिकारी बोले करवा चौथ में परिवार के साथ ससुराल गए थे, लौटे तो घर में हुई थी चोरी। लालू बोले छोटे भैया नेता कांग्रेस से खराब कर रहे संबंध, नीतीश जुगाड़ के सीएम। तेजस्वी ने सबकी हवा निकाल दी, बाकी का विसर्जन मैं करूंगा। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के लिए 17 जिलों में जमीन फाइनल, नालंदा भोजपुर कैमूर मधुबनी सीतामढ़ी सहित 17 जिलों में बनाया जाएगा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक। लखीसराय में नक्सलियों द्वारा अपहृत युवक कराया गया मुक्त, पीड़ित बोला पुलिस की वर्दी में आए थे नक्सली, थाने चलने को कहे जंगल ले गए थे।